एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का वीडियो है अमेज़न ड्रेसेस के ऊपर। कुछ रिसेंटली मैंने वेस्टर्न या वन पीस ड्रेस परचेज की है, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं परचेज करने का तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है, आप जाके परचेज कर सकते हो। और मैंने माई होल स्टोर का एक पर्टिकुलर लिंक भी दे दिया है, जहाँ पे आप इन सबको एक साथ चेक कर सकते हो। अमेजोन पे आपको सारी चीजें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं। 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी होती है, तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, आई होप कि आपको पसंद जरूर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रेस नंबर 1 से। ये ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक ड्रेस है, बिल्कुल अनारकली की तरह, या फिर आप कह लो मैक्सी ड्रेस है, और ये बहुत ही सुंदर है। कल मैंने इसे वियर किया था, एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना था, उसके बाद हम मॉल चले गए, तो दो चार मैं वहाँ की आपको पिक अटैच कर दूंगी कि इसे आप बाहर भी वियर करके जा सकते हो, और अगर आपको घर पर भी इसे वियर करना है डेली तो आप डेली भी इसे घर पर वियर कर सकते हो। इसका ऊपर का जो क्लोथ है वो जॉर्जेट है, तो हमें लग सकता है कि अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन नीचे अस्तर बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ लगा हुआ है, लाइक नायलॉन टाइप का, तो आराम से आप इसे वियर कर सकते हो। और इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, आई मीन थोड़ा डिजाइन है, यहाँ पे कफ टाइप इसका डिजाइन है, और यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है, तो कंफर्टेबल भी है। एंड इसका नेक मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज ये जो लूप टाइप लगे हुए हैं ना, इसे आप ओपन कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। जो ड्रेस की लेंथ भी बहुत अच्छी है, लेंथ इसकी घुटनों से थोड़ी सी लंबी है, तो आप इसके नीचे लेगी चाहे वियर करो या ना करो, आप इसे जीन्स के साथ भी वियर कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे वन पीस की तरह, यानी कि वेस्टर्न ड्रेस की तरह भी वियर कर सकते हो। और इसके ना वेस्ट में ये रिबन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे नॉट कर सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल फिट शेप का लुक मिलेगा। जो हमारा ड्रेस है ना, इसको लेके मेरे मन में बहुत डाउट थे, और आपने इसे जरूर देखा होगा, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होंगे अमेजोन तो आपको ये दिखी होगी, लेकिन आपके मन में भी डाउट होंगे पक्का कि जैसे ये दिख रहा है वैसा आएगा या नहीं आएगा। तो जैसा मैंने सोचा था वो वैसा बिल्कुल नहीं है, आई मीन ये वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा था ये हल्का सा सिफॉन क्लोथ होगा, बिकॉज देखने में वैसा ही लग रहा था, बट ये पूरा जो क्लोथ है पॉलिएस्टर है, थिक पॉलिएस्टर है। ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी है, इसका कलर भी आप देख रहे हैं बीज है, बहुत सुंदर लग रहा है, इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है, ओवरऑल ड्रेस बहुत अच्छा। और जैसा मतलब बॉटम का डिजाइन दिखा रहा है सेम वैसा ही है, और नीचे अलग से फ्लेयर अटैच है, तो जो दिक्कत मुझे हो रही है इसके कपड़े से हो रही है, बिकॉज ये थोड़ा सा थिक है, तो समर में तो आप इसे बिल्कुल नहीं वियर कर सकते। हाँ, ये विंटर में काफी कंफर्टेबल है। फिटिंग को लेके मेरे मन में डाउट था कि फिट होगा या नहीं होगा, बिकॉज अगर ये स्ट्रेचेबल नहीं होता तो शायद ये घुसता ही नहीं, तो काफी स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है, आराम से वियर कर सकते हो। वियर करने के बाद बहुत अच्छा लुक भी मिल रहा है। ये हाफ स्लीव्स है, और इस तरीके की जो स्लीव्स है कफ वाली वो आजकल बहुत ट्रेंड करी है, चाहे आप ब्लाउज में देखो या सूट में देखो, आपको बहुत देखने को मिलेंगी। एंड इसका जो नेक है वो राउंड। ड्रेस तो काफी अच्छा है, अगर आप इसे सोच रहे हैं मतलब प्लान कर रहे हैं कि हाँ मुझे इसे परचेज करना है, तो थोड़ा सा रुक के या अभी आप परचेज करके रख सकते हो। विंटर सीजन स्टार्ट ही होने वाला है, जस्ट जैसे ही नवरात्रि आते हैं वैसे ही हमारा विंटर स्टार्ट हो जाता है, तो आप दैट टाइम इसे आराम से वियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ ड्रेस शेयर करूँ ना, ये इतना कम्फर्टेबल है, इतना सुंदर है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया था कि ये मुझे ऐसा रिसीव होगा, इससे मैंने दो बार रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना ओल्ड डिजाइन में लगा, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार इसे परचेज करके देख ही लेते हैं, और सीरियसली में ये बहुत बहुत सुंदर है। वी नेक में है, इसके थोड़े से स्लीव्स इस तरीके से हैं फ्लेयर्ड में, और इसी वजह से मैं इसे रिजेक्ट कर रही थी, बट जैसे मैंने कल इसे वियर किया ना, अमेजिंग था, बहुत सुंदर लग रहा था। एक मैक्सी ड्रेस है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, चाहे इसके स्लीव्स ले लो, देखिए स्लीव्स काफी ब्रीथेबल है, एंड ये नेक इसका ब्रॉड है, आराम से वियर कर सकते हो मतलब कंफर्टेबली। एंड इसका जो कपड़ा है क्लोथ इसका जॉर्जेट है, बट इसमें नीचे सैटिन का अस्तर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि ये चुभेगा, ऐसा होता है ना समर में जब पसीना आता है तो काफ़ी जो ड्रेसेस होती हैं वो चुभने लगती हैं, बट नीचे इनर जो है वो सैटिन में है, तो कंफर्टेबली आप इसे वियर कर सकते हो। काफ़ी सुंदर भी है, अफोर्डेबल भी है, एंड इसका जो साइज है वो M है, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चेक कर सकते हो। और ये रेयर ब्रांड से ही है, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनकी ड्रेस भी बहुत अच्छी होती है, मतलब डिज़ाइन के काफ़ी अच्छे होते हैं।
वेस्ट हमारी ड्रेस काफी सुंदर है, बट मेरे साथ इसका एक इशू क्रिएट हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है ड्रेस हमारी जो कि पिस्ता एंड व्हाइट है, पिस्ता ग्रीन एंड व्हाइट है, जो कि काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। और ये स्लीव्स है इसकी, यहाँ पे इलास्टिक है, एंड ये नेक इसका स्क्वायर में है, ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है। नेक में इस तरीके से रिबन है, तो अगर ये इधर उधर होता है तो आप नॉट कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल फ्रॉक ड्रेस है, आपकी नी लेंथ तक है, एंड इसका जो कॉटन है, सॉरी इसका जो क्लोथ है वो कॉटन है, एंड बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुंदर ड्रेस है। बट मेरा इशू ये क्रिएट हुआ है कि मैंने एम साइज ऑर्डर किया था और इन्होंने मुझे एस साइज सेंड किया है, जो कि मतलब मेरे आ ही नहीं रहा था। तो बाकी की ड्रेस मैंने पहन के भी आपके साथ शो किया, बट मैंने इसे नहीं वियर किया, बिकॉज अगर मैं इसे वियर करती तो शायद ये फट जाता, फिर मैं इसे रिटर्न नहीं कर पाती। ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा। चेक डिज़ाइन है, तो चेक तो ऐसा डिज़ाइन है कि एवरग्रीन है, आप इसे कभी भी वियर कर सकते हो। इसे रिटर्न करूँगी अगर उनके पास एम साइज होगा तो मुझे मिल जाएगा, अदरवाइज इतना प्यारा ड्रेस मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये इतना कंफर्टेबल है कि आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हो, घर पे अगर वैसे आपको कोई कंफर्ट ड्रेस चाहिए, छोटी शॉर्ट ड्रेस मतलब फ्रॉक चाहिए, आपको क्यूट बार्बी डॉल बनना है तो आप इसे घर पे भी वेयर कर सकते हो, बर्थडे पार्टी में या फ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो आप वेयर कर सकते हो। बट शायद मेरी किस्मत खराब है, मैं इसे एक्सचेंज करूंगी, मैं साइड में इधर रख देती हूँ। नेक्स्ट हमारा लास्ट पीस है, और ये भी रेयर ब्रांड से ही है, बट ये ना बहुत सुंदर है, बिकॉज एक तो ये ब्लैक है, ऊपर से इसका जो ये रेड और ग्रीन का प्रिंट है ना, फ्लावर प्रिंट, ये बहुत सुंदर लग रहा है। एंड मुझे ना जॉर्जेट वाली ड्रेस काफी अच्छी लगती है। इसे मैंने 6 महीने पहले अपनी कार्ट में ऐड किया था, सोचा था परचेज करूंगी, बट इस बार जो मुझे ये ड्रेस का हॉल बनाना था तो मुझे अपनी वो ड्रेस रखनी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये सारी मतलब 5 ड्रेस हैं जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं परचेज करूंगी, और ये बहुत ही सुंदर, एक तो ये ब्लैक इसका जो कलर है मेरा फेवरेट है, दूसरा ये फ्लावर प्रिंट जो कि इसे और भी सुंदर बना रहा है, रोज फ्लावर बने हुए हैं, रोजी लगेगा बिल्कुल। एंड ये राउंड नेक में है, नेक थोड़ा सा हाई है बट सुंदर बहुत लग रहा है। और यहाँ से ना ये ऑफ शोल्डर है, बट यहाँ पे ये रिबन है तो आप इसे नॉट कर सकते हो। और ये फुल स्लीव्स के साथ है, ये यहाँ पे शर्ट लाइक स्लीव्स हैं इसकी, एंड यहाँ पे ये बटन लगे हुए, नी लेंथ है इसकी, एंड फ्रंट से इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर। एंड थोड़ा सा फिटिंग का इशू आ रहा था जब मैंने इसे वियर किया, बट मुझे शायद अल्टर इसे करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, या फिर बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक बेल्ट है तो अगर मैं चाहूँगी तो वो बेल्ट यूज़ कर लूँगी, वरना करवाना है अल्टर तो मैं करवा लूँगी। बट ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये बैक में इस तरीके से लूप है, तो जैसे आपको वियर करना है तो आप इसे ओपन करके एंड देन ये बटन बंद कर सकते हो, एंड इसे आप फ्रॉक की तरह भी वियर कर सकते हो, आप चाहो तो इसके नीचे ब्लैक लैगी या जीन्स वियर कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इंडियन ड्रेस में इसे चेंज करना है तो आप जैसे चाहें वैसे वियर कर सकते हैं, एंड कहीं भी वियर करके जा सकते हैं, कोई भी वियर कर सकता है। तो एक बहुत ही सुंदर ब्लैक फ्लावर प्रिंट ड्रेस है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। तो ये था हमारा ओवरऑल कलेक्शन, आई होप कि आपको इनमें से कुछ तो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है। एंड इसे तो मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ बिकॉज ये किसी काम की नहीं है, एंड देखते हैं सिस्टर को पसंद आती है तो ले लेगी, नहीं तो फिर मैं एक्सचेंज कर दूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं, बट अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एंड शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। लव यू ऑल, बाय।